हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष रेड्डी के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 53rd एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है AI PMT 2015 का क्वेश्चन। रीटेस्ट में से मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन उठाया है। 2015 में जो रीटेस्ट वाला पार्ट था, दूसरे बार पेपर हुआ, तो उससे मैंने 3 क्वेश्चन उठाया है फिजिक्स का। ये क्वेश्चन बड़ा मस्त है यार, और इसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग ट्रिक्स वगैरह लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये जो दोनों क्वेश्चन है, मैंने पिछले एपिसोड में भी अपने लिया था सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग किस तरीके से ऑप्शंस में से घुस के हम लोग बड़े एक्यूरेसी से सॉल्व कर सकते हैं, और फिर हमारा टाइम को कंज्यूम, मतलब टाइम बचा सकते हैं कि हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, और हमारा कॉन्फिडेंस भी उस पर मेंटेन रहे कि हमने सही आंसर मार्क किया है। ठीक है ना, देखते हैं। अरे तीनों क्वेश्चन यहाँ पर, जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, वही बात है सिंपल सा, 1:25 का आपको रेशियो दे रखा है, और आपको IMAX / IMIN आपको निकालना है। ठीक है ना, तो ये जो क्वेश्चन है, सिंपल सा बात है, अगर आपको पता है, सॉल्व करना आता है, तो भैया आपको फॉर्मूला मालूम है IMAX के लिए √i1 + √i2 2, और फिर IMIN के लिए √i1 - √i2 2। बट अगर आपको नहीं पता है, आप वीक स्टूडेंट हो, आपको नहीं पता है, तो आप थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो कि यहाँ पर IMAX / IMIN आपको बोल रहा है, तो मैक्सिमम IMAX, ठीक है ना, इंटेंसिटी का रेशियो आपको बोल रहा है, तो IMAX भैया क्या होगा, IMAX मतलब ज़्यादा होगा और IMIN मतलब कम होगा। ठीक है ना, तो जो रेशियो होगा IMAX / IMIN का, रेशियो क्या होगा, 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये लॉजिक आप लोग लगा सकते हो। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो 4/9 1 से छोटा है, और यहाँ पर 49/121 1 से छोटा है, तो बचा आपके पास में 2 और 3 ऑप्शन। इन दोनों में से आप एक तुक्का लगा सकते हो, मतलब जो वीक स्टूडेंट इनको नहीं पता, वो इतना सिंपल सा लॉजिक लगा के 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से, और फिर थोड़ा फील वील करके आप काम कर सकते हो। अब अगर आपको जानना है, थोड़ा सा आंसर आपको देखना है, तो क्या होगा, तो आपको समझ में आएगा कि जो 1:25 है, तो यहाँ पर आपको पता है कि 1 का √1 होता है और 25 का रूट होता है 5, तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ 1 + 5 करेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 6 का square 36 आ जाएगा, और नीचे में 1 - 5 करेंगे तो 4 का square 16 आ जाएगा, तो 9/4 आ जाएगा, दोनों को ऊपर से मल्टीप्लाई करो 4 से। ठीक है ना, और यहाँ पर आप देखो 121/49 आपको दिख रहा है, तो ये भैया कहीं भी आसपास नहीं दिख रहा है, 11 का square होता है 121, ठीक है ना, यहाँ पर आपको कहीं पर भी 11 और 7 का square 49 नहीं दिख रहा है, तो आप एक फील लगा के बोल सकते हो कि अभी 9/4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, भैया पोटेंशियल आपके पास में दे रखा है, पोटेंशियल आपको दे रखा है, बड़ा इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम क्वेश्चन हम लोग लिए थे ऐसे टाइप का पिछले एपिसोड में, वहाँ पर हम लोग देखे थे कि हम लोग डिफरेंशिएट करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग करना पड़ता है, फिर पॉइंट पुट करेंगे, तो यहाँ पर आपको देख रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको आई कैप मिलेगा, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर जेड के रिस्पेक्ट में करोगे, तीनों करके आई कैप जे कैप के कैप बैठा के फिर आप 1, 1, 0 पुट करोगे, और फिर आपको फाइनल रिजल्ट मिल के आएगा। ठीक है ना, तो यार सिंपल सा तरीके से काम करते, इतना नहीं करते, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको बोलता हूँ कि आप ऑप्शंस में से घुसो, उल्टा काम करो, ऑप्शंस में से घुसो, आपको टाइम सेव होगा। आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा है 6, 6, 3 और 2 दिख रहा है, चलो आगे बढ़ो, 9, 5, 5, 3 चलो आगे बढ़ो, है ना, फिर आप आगे क्यों बढ़ रहे, सोचो कि यहाँ पर 2 ऑप्शन में 6 है, फिर 2 ऑप्शन में 5 है, अब यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 1 यहाँ पर भी आपके पास में 2 ऑप्शन में 1 है। ठीक है ना, समझ रहे हो, मतलब ऐसा ऑप्शन ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ कि जिसमें चारों में जो कोएफिशिएंट है वो अलग अलग हो, तो यहाँ पर हम लोगों को नहीं मिला, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोगों को सब में 2-2 मिला, 6-6 मिला, 5-5 मिला, और फिर 1-1 मिला। हम लोग क्या करेंगे, एक एक चूज करेंगे, एक एक चूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा ना, हमारा आंसर बहुत जल्दी आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं के कैप से स्टार्ट करते हैं, चलो थर्ड वाले से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होगा, हम लोग क्या करना है, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इससे हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, हमारा आंसर बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा। जेड के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, तो देखो फिर वहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 0.1, 1, 0, तो जब जेड के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे, आप इक्वेशन देखो 6xy - y + 2yz, ठीक है ना, तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो यहाँ पर आपका जो पहला टर्म आपको दिख रहा है, जो 6xy - y + 2yz दिख रहा है, इसमें आपको इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करना है, तो जब आप जेड के रिस्पेक्ट में करोगे, तो आपको xy का टर्म यहाँ पर है, y का टर्म यहाँ पर है, और यहाँ पर एक जेड का टर्म है, तो भैया जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से आपका जो पहला दोनों टर्म है वो तो भैया हो जाएगा क्या, 0, समझ रहे हो, समझ रहे हो, 6xy 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2y आएगा थर्ड वाले में, मतलब आपको सोचना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। आप चाहो तो एक्स के रिस्पेक्ट में करके ऑप्शंस में देख सकते हो, वाई के रिस्पेक्ट में करके देख सकते हो, बट जेड से करने से आपका जो काम है वो इजीली निकल के आ जाएगा, कि पहला और दूसरा 6xy में जेड है ही नहीं, और वाई में भी आपके पास में जेड है ही नहीं, तो आप क्या करो, डायरेक्टली जेड के रिस्पेक्ट में करो, तो आपको क्या मिलेगा, 2y मिलेगा, है ना, विद अ माइनस साइन। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और एक माइनस साइन भी डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना, उस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट मारेंगे, 2yz का पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2y, और फिर 1 पुट कर देंगे, y का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा 2 विद अ माइनस साइन, मतलब -2 आ जाएगा। तो देखो इससे कितना आंसर इजीली हम लोग को मिल गया, थर्ड ऑप्शन, बाकी किसी ऑप्शन में है ही नहीं 2,
देख रहे हो ना, वन है, थ्री है, वन है और माइनस टू यहाँ पर मिल गया आपको इजीली। आपको उतना लंबा करना ही नहीं पड़ा एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। आपको बहुत लंबा पड़ता है यार, एक्स के रिस्पेक्ट में करते सिक्स वाई आई कैप आता, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करते क्या निकल गया आता, सिक्स एक्स निकल के आता, फिर माइनस वन निकल के आता, फिर यहाँ पर आता आपके पास में टू वाई भी निकल, टू जेड भी निकल के आता। तो ये बड़ा लंबा पड़ता है, फिर आप इसको पुट करते तो लंबा पड़ता। ठीक है, इस तरीके से हमने जेड के रिस्पेक्ट में करके काम कर लिया। ठीक है, सोचो अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो क्या होता, एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो हमको क्या मिलता, सबसे पहले 6y मिलता। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करने से हम लोग को मिलता 6y मिलता, और हम लोग को पता है y का वैल्यू 1 बढ़ाने से दोनों ऑप्शन में 6 आ रहा है, इसलिए मैंने उसको नेगलेक्ट किया। हमने सीधा z से डिफरेंशिएट करके देखा कि उससे मेरे को फील हो रहा था कि यहाँ पर डिफरेंशिएट करने 2y आएगा और सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमको यहाँ पर 2 दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग z में किए तो हमारा काम आसान हो गया, ज़्यादा झमेला नहीं करना पड़ा, एक बार में आंसर निकल के आ गया। ठीक है, समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, एक्चुअल तरीके से करोगे ना, खुद से सब चीज़ करोगे ना, तो बहुत जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा, आपके पास में स्टैटिक है और काइनेटिक फ्रिक्शन वगैरह कोएफिशिएंट वगैरह आपको निकालना है उसकी वैल्यू। केस आपको दे रखा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर जो एंगल है ना ये इंक्रीज किया जा रहा है और कुछ एक थीटा एंगल में पहुंचने के बाद क्या हो रहा है, ये स्लाइड करने लग गया, नीचे गिरने लग गया। ठीक है, अब हो क्या रहा है, आपको बेसिकली पता है, आपको कंपोनेंट पता है, एम जी साइन थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन लगता है ऊपर की तरफ में, म्यू एम जी कॉस थीटा वगैरह वगैरह। आपको उसको यूज़ करके यहाँ पर निकालना है स्टैटिक फ्रिक्शन की कोएफिशिएंट और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। स्टैटिक मतलब कब होता है, जब वो रेस्ट पे होता है, काइनेटिक कब होता है, जब मूवमेंट पे आ जाता है तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, आपको एक चीज़ पता होता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से कम होती है। ठीक है ना, ये थोड़ा बहुत आपको पढ़ाई करना चाहिए, अगर नहीं पता है तो इतना जान के रखो कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। ठीक है, इसका मतलब आप ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन से घुसो, मैं क्या बोलता हूँ, ऑप्शन से घुसो, उल्टा काम करो, 0.6 0.6 इसको नेगलेक्ट कर दो, सेम तो हो ही नहीं सकता है ना। फिर आप क्या करो, 0.5 0.6 बड़ा भी नहीं हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गई, ऐसा थोड़ी होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, काइनेटिक में वो मूव करने लगता है। ठीक है ना, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम आपको दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर टू ऑप्शन और फोर ऑप्शन तो आपका हो गया एलिमिनेट। अब वन और थ्री में आपको चेक करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको क्या है, फील आ रहा है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में आपको सिर्फ 0.4 0.3 दिख रहा है, जबकि 0.6 0.5 आपको बहुत बार दिख रहा है। तो जो क्वेश्चन बनाता है ना वो इस हिसाब से ऑप्शन डालता है कि 0.6 0.5 करेक्ट आंसर होगा। तो आप यहाँ पर एक तुक्का लगा सकते हो, 99% केसेस में आपका सही हो जाना चाहिए, 100% में सही नहीं होगा, बट स्टिल अगर आपको चेक करना है बहुत अच्छे से तो आप क्या करो, सॉल्व करके देख लो। यहाँ पर आपको देख रहा है 4 मीटर गिरा है 4 सेकंड में, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ से एक्सेलरेशन। ठीक है, बड़ा झमेला है, थोड़ा सा झमेला है, एक्सेलरेशन आपको निकालना पड़ेगा, फिर आप उसको सॉल्व करोगे इक्वेशन बिठा के mg sin थीटा, उससे आपको काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ इतना झमेला करो ही मत ना काइनेटिक फ्रिक्शन का, आप सीधा स्टैटिक फ्रिक्शन को यूज़ करके देख लो ना कि 0.6 आ रहा है या, क्योंकि देखो सेकंड और फोर्थ तो एलिमिनेट हो गया, तो 0.4 और 0.6 में अगर कोई भी एक आ गया तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा ना। तो आप काइनेटिक में जाओ ही मत, आप स्टैटिक को यूज़ कर लो। स्टैटिक में क्या होता है, रेस्ट पे रहता है, तो एम जी साइन थीटा कितना लगता है, म्यू एम जी कॉस थीटा, मतलब फ्रिक्शन के बराबर, नीचे एम जी साइन थीटा, ऊपर फ्रिक्शन, म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर लगता है। और यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकल के आता है। तो आप क्या करोगे, एम जी साइन थीटा अगर आप इक्वेट करते हो म्यू एम जी कॉस थीटा से क्या होगा, एम जी हो जाएगा भैया कैंसिल है ना, एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा, एम जी हो गया कैंसिल, वहाँ से आपका म्यू कितना निकल के आ गया, टैन थीटा के बराबर निकल के आ गया, क्योंकि 1/√3 होता है 30 डिग्री में, तो 1/√3 आप सॉल्व करके देख लो, आपको निकल के आ जाएगा कुछ 0.6 के आसपास निकल के आ जाना चाहिए है ना। कितना होता है 17.6, देख लो सॉल्व करके देख लो, 102 आ रहा है, तो भैया 0.6 के आसपास आ रहा है, मतलब कि जो थर्ड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की कोएफिशिएंट की वैल्यू, स्टैटिक कोएफिशिएंट फ्रिक्शन 0.6 आ रहा है, 0.4 नहीं आ रहा है, तो जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, आपको काइनेटिक फ्रिक्शन चेक करना ही नहीं पड़ा। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन चेक करना पड़ता तो बहुत ज़्यादा लेंदी पड़ता, क्या करना पड़ता है आपको, आपको देखना पड़ता है एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, फिर आपको डिफरेंस निकालना पड़ता है एम जी साइन थीटा नीचे, म्यू एम जी कॉस थीटा ऊपर की तरफ में। अब यहाँ पर जो म्यू है ये काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दोनों का डिफरेंस लेके आपको एक्सेलरेशन को यूज़ करना पड़ता, और फिर आप निकालते म्यू एस म्यू काइनेटिक की वैल्यू। ठीक है, तो उतना झमेला मत करो, म्यू स्टैटिक से आपका काम बन जा रहा है, दो ऑप्शन तो ऐसे आपने लॉजिक से एलिमिनेट कर दिया, और बाकी जो बचा वो आपने म्यू स्टैटिक चेक करके गड़े से कहा। आपका टाइम बहुत कम लगता है इसमें, मतलब पता है आपको टाइम नहीं वेस्ट करना एग्जाम में। ठीक है ना, मान लो ये बात ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करना सीख जाओ, मान लोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने से कुछ सीखा होगा, अगर आपने से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बने रहिए।